अस्सलाम वालेकुम। एक औरत से खाने में नमक तेज़ हो गया। शौहर खाने के लिए बैठा तो इतना तेज़ नमक देकर उससे गुस्सा आ गया। गरीब आदमी था, 6 माह बाद मुर्गी का गोश्त लाया था। 6 माह से दाल सब्ज़ी खा खा कर इसकी ज़बान गोश्त खाने के लिए बेचैन हो गई थी, मगर बीवी ने नमक तेज़ करके सारा सालन ख़राब कर दिया। इसने बीवी को कुछ न कहा, चुपचाप खा लिया और कहा, ए अल्लाह, अगर मेरी बेटी से नमक तेज़ हो जाता तो मैं ये पसंद करता कि मेरा दामाद उसे माफ़ कर दें, मेरे जिगर के टुकड़े को कुछ न कहें। मेरी बीवी भी तो किसी की जिगर का टुकड़ा है, किसी माँ बाप की बेटी है और सबसे बढ़कर तेरी बंदी है। ए अल्लाह, मैं उसे तेरी रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ। कुछ अरसा बाद जब उसका इंतकाल हो गया तो एक अल्लाह वाले ने उसे ख्वाब में देखा और पूछा, भाई तेरे साथ क्या मामला हुआ? इसने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह के सामने पेश किया गया और अल्लाह ताला ने मुझे मेरे गुनाह गिनवाए कि तूने फला गुनाह किया, फला गुनाह किया। मैंने समझ लिया कि मैं अब इन गुनाहों की वजह से जन्नत में जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने आखिर में फरमाया कि जाओ, मैंने तुम्हें इस वजह से माफ़ किया कि तुमने अपनी बीवी को इस दिन मेरी बंदी समझ कर माफ़ किया था। जिस दिन इससे नमक तेज़ हुआ था तूने उसे गाली नहीं दी थी, डंडा नहीं मारा था, तुमने इसकी खता मेरी रज़ा के लिए माफ़ की, तो आज मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।